चलो लेट्स कंटिन्यू विद द वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा तो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग टू कोप्लेनर डायरेक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, इस चीज का मीनिंग ये है कि अगर एक प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन में कोई भी दो डायरेक्शन ले लो रैंडमली, जरूरी नहीं 90 डिग्री वाली। अब रैंडमली मैंने कोई भी डायरेक्शन ले ली, तो जो एक और वेक्टर, अब कोई भी वेक्टर ले लो, तीसरा वेक्टर, कोई भी वेक्टर इस प्लेन में आने वाला, राइट? दिस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और इस पर्टिकुलर वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है या रिजोल्व किया जा सकता है, इन दोनों वेक्टर्स की फॉर्म में या टर्म्स में रिजोल्व किया जा सकता है। इस चीज का पूरा का पूरा चीज का मतलब ये जाता है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, कैसे है? ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो जरा। ठीक है, इस पूरी चीज को समझाने के लिए पहले छोटा सा पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर सी वेक्टर इन देयर प्लेन कैन यूनिकली बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो, दैट इज सी वेक्टर इज सम कॉन्स्टेंट, ठीक, लेट्स से लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर, सम अनदर कॉन्स्टेंट लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिन भी चीजों को लीनियरली कंबाइन करना है उनको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एड कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्टली एड कर दिया गया। अच्छा, तो क्या चीज थी अभी, कि अगर ए एंड बी वेक्टर है मेरे पास, अगर वो एक प्लेन यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं, तो उस प्लेन में आने वाला कोई भी और वेक्टर जो होगा उसको मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हमेशा हमेशा। याद रखना, इसके अंदर मेन कंडीशन क्या आती है, कि दैट एनी सी वेक्टर दैट मस्ट लाई इन देयर प्लेन, तो उसी प्लेन के अंदर आने वाले मैं किसी भी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि अ वेक्टर नॉन कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नेवर बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉर्मिंग अ प्लेन। ठीक है ना, अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो प्लेन बना रहा है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आउट ऑफ प्लेन वेक्टर जो होगा उसका, उसको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा अब एक रीजन देख लो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्यों रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये देख लो। नाउ अज्यूम करो ये सारा का सारा प्लेन है, ठीक, ये सारा का सारा प्लेन है, एंड इसी प्लेन में हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, रैंडमली ले रहा हूं, ये ए वेक्टर एंड लेट से ये बी वेक्टर। ठीक है, अब ये एक वेक्टर आ रहा है, ठीक, सी वेक्टर, चलो छोटा सा ले लो सी वेक्टर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस सी वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देखना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि ये चीज पॉसिबल है, ठीक है, कि ये चीज पॉसिबल है
तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले तो ये फ्री वेक्टर है, इसको उठा के साइड में ले गए। अब हमने क्या किया, ए वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है, हेड उसका बेसिकली, ठीक, तो वहां से बी वेक्टर के पैरेलली हमने एक लाइन लगाई, वो आ जाएगी ऐसी लाइन, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी वेक्टर को उठाया, ठीक, हमने बी वेक्टर को उठाया एंड वहां पे शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, वहां पे शिफ्ट कर दिया हमने। अब जैसे बी वेक्टर यहां पे आ गया, उल्टा काम करते हैं, उससे ज्यादा इजी होता है, ठीक है। बी वेक्टर को यहीं पे रहने दो, ठीक है, हमने सी वेक्टर को पकड़ा जिसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पे हमने क्या किया, इसका जो एक एंड है वहां पे हमने पहले वाले वेक्टर के पैरेलल लाइन लगाई इस तरीके से, ठीक है, एंड फिर दूसरी लाइन लगाई हमने दूसरे वाले वेक्टर के पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। तो ये बी वेक्टर के पैरेलल, ये ए वेक्टर के पैरेलल। अब ध्यान से एक चीज चेक करना, ठीक है, कि पहली बात तो ए वेक्टर की लेंथ चेंज करके मैं उसको इस लेंथ का ला सकता हूं, राइट। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर होगा ये क्या आ जाएगा, लैम्डा वन ए वेक्टर। दो रीजन इसके, ठीक है, पहला लेंथ अलग है तो इसलिए हमने इसको लैम्डा वन से मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ चेंज कर दी। दूसरा पैरेलल है ए वेक्टर के, तो फ्रीली ट्रांसलेट कर सकते हैं ए वेक्टर को, तो डेफिनेटली ये ए वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर आ रहा है इस तरीके से, राइट, ये बी वेक्टर के पैरेलल है और लेंथ चेंज्ड है, तो ये लैम्डा टू टाइम्स बी वेक्टर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्राइंगल रूल लगाओ, तो ट्राइंगल रूल के कारण तुम्हारा सी वेक्टर क्या चला जाएगा, लैम्डा वन टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू टाइम्स बी वेक्टर। नाउ कंसेप्ट ये है कि जो भी तीसरा वेक्टर आएगा, राइट, उसके साथ हम ऐसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के पैरेलल लाइंस हमेशा लगा सकते हैं। तो अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के पैरेलल लाइंस हमेशा अगर हम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो यानी कि ट्रायंगल हमेशा फॉर्म हो गई होगा, एंड अगर ट्रायंगल हमेशा फॉर्म हो गई होगा तो यानी कि ट्रायंगल रूल के कारण उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो तीसरा वेक्टर हमें देगा ही देगा, जो मर्जी कर लो वो तीसरा वेक्टर हमें देगा ही देगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, राइट तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेन में आने वाला कोई भी और वेक्टर जो होगा वो ए एंड बी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है, एंड जो इस प्लेन में नहीं आ रहा वो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, कभी भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक। अच्छा, अब इसका जो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक, वो है 2D एंड 3D, ठीक है। अब ये दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्या चीज है 2D एंड 3D का, ठीक है। तो 2D के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो प्लेन लेते हैं यहां पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस डिफाइन हो रही है, राइट, एक x एक्सिस के पैरेलल, एक y एक्सिस के पैरेलल। तो हम क्या बोलते हैं कि x एक्सिस के डायरेक्शन में आने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखना पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। एंड सिमिलरली जे कैप इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। सबसे पहले तो हमने ये चीज डिफाइन कर दी। अब जस्ट अभी हमने क्या बात की कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं और वो एक यूनिक प्लेन बना रहे हैं, तो उस प्लेन में आने वाले किसी भी वेक्टर को हम उन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहीं पे 2D में क्या हो रहा है कि 2D के अंदर ये जो आई कैप और जे कैप है, इन दोनों से मैंने एक प्लेन बनाया और उस प्लेन को क्या नाम दिया, ये 2D प्लेन, राइट। अब मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इस प्लेन में आने वाला कोई भी और वेक्टर होगा उसको मैं इन दोनों वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में, के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जो मर्जी हो जाए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि 2D में कोई भी वेक्टर आएगा उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा, एनी वेक्टर इन 2D कैन बी रिप्रेजेंटेड
in the linear combination of i cap and j cap. हमेशा i cap and j cap के linear combination की form में उस vector को हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखो जरा, अब इसके अंदर जैसे example, एक मान लो मेरे पास एक पॉइंट है 3.4, 2D का पॉइंट है 3.4. अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या क्या करूंगा मैं. तो इस तरफ जो आई कैप आ रहा था, अब उसकी लेंथ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आई कैप फैक्टर. हाँ जी, मैं दिखा दो कितना किया आज मैं लेट जॉइन हो चुका हूं, पेज छोड़ दो. थोड़ा सा किया, ज्यादा नहीं किया, 2-3 पेज छोड़ दे. ओके हाँ जी, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप फैक्टर, राइट. अब हाइट 4 है, तो हाइट 4 है तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आएगा, राइट, ये आ जाएगा 4 जी कैप वेक्टर, राइट. अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया और पैरेललोग्राम बनाया, या फिर इस तरीके से बोलो ये भी फ्री वेक्टर है तो ये भी 4 जी कैप होगा. तो इस तरीके से ट्रायंगल रूल के कारण ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आएगा ये क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जी कैप. और इन जनरल क्या चीज आ जाएगी कि अगर हमारे पास पॉइंट है x कॉमा वाई, तो इन दैट केस यहां पे ये पर्टिकुलर लेंथ आएगी x. अब ये चीज याद रखना, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मेरे को मालूम है, राइट, लेट से a कैप, और मेरे को इसी डायरेक्शन में आने वाला 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो 5 a कैप जो वेक्टर आएगा, दिस विल बी अ वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर की डायरेक्शन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 5. इसलिए x लेंथ का जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, x को आइटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या चीज बन जाएगी, x को i कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x i कैप. तो यानी कि ये वेक्टर आ जाएगा x का i कैप, एंड सिमिलरली ये वेक्टर आ जाएगा y j कैप, एंड ये जो पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर जाएगा वो क्या जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप. तो कहने का मतलब ये चीज थी कि पोजीशन वेक्टर of any point x comma y in 2D is x i cap plus y j cap. That's it. x i cap plus y j cap जो वेक्टर होगा वो पॉइंट x comma y का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा जो ओरिजिन से ज्वाइन करके उस पॉइंट तक जाता है, ठीक है? हाँ जी, अभी तक कोई डाउट 2D में? नो सर. 2D में डाउट क्लियर है? अनन्या, स्तुति, यस, आदित्य, दिया, काव्या, शुभम, राजवीर, क्लियर है? राइट right? अच्छा, अब देखो जरा, अब एक और चीज यहीं पे हमें ये भी चीज पता चल रही है कि x i कैप एंड y j कैप जो आएगा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ठीक है? तो इन ए वे x i कैप प्लस y j कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ. अब ये लेंथ निकालनी है हमें, राइट right? तो ये लेंथ क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट. तो कहने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट. याद रखना ये तभी आएगा जब आई कैप एंड जो जे कैप है वो परपेंडिकुलर थे. अगर वो ये वाली चीजें परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो मैं इनको इस तरीके से नहीं लिख सकता. कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई भी वेक्टर को ऐसा लिखा 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 3² + 4² अंडर रूट होगा, ये गलत हो जाएगा बोलना. क्यों? क्योंकि ए वेक्टर अगर ऐसा है, बी वेक्टर अगर ऐसा है, और इनके बीच में एंगल कुछ भी थीटा है, राइट, तो 3a वेक्टर इसी डायरेक्शन में 3 times हो जाएगा, 4b वेक्टर इसी डायरेक्शन में 4 times हो जाएगा. तो इसका अब जो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा वो जाएगा बाय द वे इस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये वेक्टर, दैट विल बी 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर. अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, वो जरूरी थोड़ी ना कि 3² + 4² हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 3² पहली बात तो क्या जाएगा, राइट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा 3a वेक्टर, पहली बात तो ये, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा 4b वेक्टर का इस तरीके से मैग्नीट्यूड, राइट. अब यहाँ पे ये दोनों चीजें पाइथागोरस थ्योरम तो बना रही थी जिसके कारण ये चीज आ जाएगी, ठीक है? तो यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर आई कैप और जी कैप साथ में लगा हुआ है तो ही जाके हम इसके अंदर ये चीज बोल सकते हैं, अदरवाइज ये चीज हम नहीं बोल सकते, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल है कि लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी ओरिजिन एंड पी बी
माइनस फोर कोमा थ्री पॉइंट, ठीक है, एक्सप्रेस ओपी वेक्टर, ठीक, इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप एंड फाइंड ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये एक चीज हमें करनी है। नाउ अब ध्यान से देखो, वो क्लियरली क्या बोल रहा है कि इस तरीके से हमारे पास ये ओरिजिन है एंड पी पॉइंट है, सॉरी पी पॉइंट आ रहा है माइनस फोर कोमा थ्री, तो पी पॉइंट इधर आ जाएगा माइनस फोर कोमा थ्री, ठीक है। अब ध्यान से चीजों को समझना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा माइनस आई कैप, उसको फोर लेंथ चाहिए हमें, तो यानी कि ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज माइनस फोर आई कैप, ये वाला अपर वेक्टर क्या आ जाएगा थ्री आई थ्री जे कैप, तो ये जो वेक्टर जाएगा इन दोनों का सम जाएगा, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा फिर ओपी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप, एंड ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा माइनस फोर का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट फाइव, यानी कि इसकी लेंथ जो होगी, ये जो वेक्टर आ रहा है इस वेक्टर की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज नथिंग बट फाइव यूनिट्स। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है? यस सर। राइट, अब देखो जरा एक और एग्जांपल, ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, चलो माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, एंड हेंस फाइंड द वेक्टर, हेंस फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू गिवन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सेवन, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड सेवन, ठीक है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने ये सोचा कि ये ए वेक्टर गिवन है, ठीक, तो ए वेक्टर इज माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसकी डायरेक्शन में आने वाला ठीक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अब जो यूनिट वेक्टर होगा उसको लिखेंगे ए कैप, राइट, कैप से हमेशा को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो जो ए कैप आएगा, अब ध्यान से देखो, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो मेरे को यूनिट वेक्टर मिलता है, राइट, तो मैं क्या करूंगा इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो सबसे पहले मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट फाइव, तो ए कैप क्या मिल गया, दैट इज माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप डिवाइडेड बाय फाइव, तो दैट इज माइनस थ्री बाय फाइव आई कैप प्लस फोर बाय फाइव जे कैप, तो दैट इज माइनस थ्री बाय फाइव आई कैप प्लस फोर बाय फाइव जे कैप, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में आने वाला हमें एक वेक्टर चाहिए, राइट, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेवन हो, राइट, तो हम क्या करेंगे यूनिट वेक्टर उठाएंगे उसको सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो सेवन ए कैप जो वेक्टर होगा दैट इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि देखो कॉन्स्टेंट को जब भी मैं स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तो सेवन ए वेक्टर क्या आ जाए, सेवन ए कैप क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज सेवन इंटू माइनस थ्री बाय फाइव आई कैप प्लस फोर बाय फाइव जे कैप, राइट, सो दैट वुड बी योर फाइनली माइनस सेवन थ्री ट्वेंटी वन बाय फाइव आई कैप प्लस ट्वेंटी एट जे कैप बाय फाइव, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर के पैरेलल रहेगा, ठीक, एयर ऑफ मैग्नीट्यूड सेवन। अच्छा एक और चीज कि जो पैरेलल की अगर वो बात कर रहा है, राइट, तो भैया पैरेलल तो ये भी होगा ये भी होगा, तो यानी कि इन दैट केस हम पैरेलल के केस में हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस दोनों आएंगे, लाइक और अनलाइक दोनों आएंगे। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट। अच्छा अब ठीक, अब देखो सिमिलरली यहां पर अब मैं ये चीज क्या बोल सकता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना आप ये चीज कि अगर यही हमारा 2D प्लेन के अंदर वापस से एक पॉइंट P लिया x1 कोमा y1 एंड एक पॉइंट लिया Q x2 कोमा y2, ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो वेक्टर जाएगा OP1 वेक्टर, OP वेक्टर, ठीक है, दैट वुड बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एंड OQ वेक्टर जो होगा दैट वुड बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप, राइट, OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है PQ वेक्टर, राइट,
तो जो पी क्यू वैक्टर होगा ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक, पी क्यू वैक्टर क्या आ जाएगा, राइट right? तो क्यू का जो हेड है उसका पोजिशन वैक्टर दैट इज ओ क्यू वैक्टर माइनस टेल का पोजिशन वैक्टर दैट इज ओ पी वैक्टर. तो ओ क्यू वैक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप. ये क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यू वैक्टर, याद रखना. ठीक है, एंड सिमिलरली जो पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू होगा. और वो क्या आ जाएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का जो सॉरी आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई कैप जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड अंडर द रूट. तो क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, राइट, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. तो इस तरीके से ये सारा 2D का चीज आएगी. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अब अगर मैं 3D की बात करूं, तो चलो 3D की बात नीचे करते हैं. ठीक है, अब अगर 3D की बात करें, अगेन ये सारी की सारी चीज क्या चल रही है कि एक वेक्टर को रिजोल्व करना गिवन प्लेन के अंदर आने वाले बाकी वेक्टर्स की फॉर्म में, राइट. तो पहले तो प्लेन के अंदर था, आ रहा था, अब 3D के अंदर आ रहा है. तो 3D में एक वेक्टर को आई कैप जे कैप एंड के कैप, अब के कैप क्या आएगा, जो जेड एक्सिस है उसके पर पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे के कैप. तो इन तीनों की फॉर्म में रिजोल्व करना. ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक चीज याद रखना, हमेशा इसी तरीके से तुम्हें बनाना है. एंड जो बाहर की तरफ आ रहा है इसको एक्स एक्सिस लेनी है, इसको वाई लेना है, इसको जेड लेना है. ये तुम रेंडमली चेंज नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि एक रूल होता है हमारा, दैट इज एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, मतलब आई कैप क्रॉस जी कैप, राइट, एक्स क्रॉस वाई इज योर जेड. ये बेसिक रूल के अकॉर्डिंगली तुम्हारी जेड एक्सिस डिफाइन होती है, याद रखना. मैं ये नहीं बोल सकता कि नीचे की तरफ प्लस जेड एक्सिस है, नहीं, वो गलत हो जाएगा. इस तरीके से रेंडमली नहीं हम बोल सकते. ठीक है ना, तो अपना जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए. आई होप वो तुम्हें याद है अभी. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली लगाएंगे. ठीक है, तो वो लगाने के बाद फिंगर्स को सबसे पहले हैंड को ओपन करके, ठीक, इस तरीके से. सर ऐसे भी नहीं कर सकते कि x राइट साइड को जा रहा है, y ऊपर को और साइड आउट. मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये रूल को अप्लाई करना है. ठीक है, इस ये रूल को अप्लाई करते करते जैसे मर्जी x y z लिख दो चलेगा, इस रूल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ. ठीक है, तो पूरा हाथ खोल के, ठीक, इस तरीके से इस प्लेन के अंदर तुम्हें रखना. ठीक है, इस प्लेन के अंदर तुमने हैंड को रखा एंड फिंगर्स जो है वो x पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट करनी चाहिए. ठीक है, अब वो रखने के बाद फिंगर्स को क्लोज करना है. ठीक है, मुट्ठी बंद करनी है. मुट्ठी बंद करके देखो फिंगर्स कैसे जाएंगी, अब इस तरीके से वाई एक्सिस की तरफ ऐसे करके मुट्ठी बंद होगी. ठीक है, जब मुट्ठी बंद हो जाएगी तो जो अंगूठा है जिस तरफ वो पॉइंट आउट करेगा, थंब जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा, उस तरीके से तुम्हारा एक्स क्रॉस वाई आएगा. यानी कि स्टार्टिंग में हथेली जो हमें खोल के रखनी है वो एक्स की तरफ रखनी है, एक्स एक्सिस की तरफ, और बंद करने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो दूसरी वाली चीज दे रखी है, राइट. तो इस तरीके से हथेली रख के हम इस तरीके से ऐसे करके बंद करेंगे तो जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, तो वो जेड एक्सिस आ जाएगी. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रेंडमली हम नहीं पॉइंट आउट कर सकते. ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड तरीका होता है हमारा. क्या करो, जो बाहर की तरफ आ रही है उसको एक्स एक्सिस बोल दो. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एंड सिमिलरली ये ऊपर की तरफ जो जा रही है ये जेड एक्सिस हो गई. ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंड ये भी 90 डिग्री, याद रखना, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री. ठीक है, अच्छा, अब x एक्सिस की तरफ आने वाला यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस की तरफ आने वाला यूनिट वेक्टर j कैप, एंड z एक्सिस की तरफ आने वाला यूनिट वेक्टर जो होगा वो k कैप होगा, राइट. अच्छा, अब सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, प्लीज अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया 3D में, लेट्स से a कोमा b कोमा c. ठीक, अच्छा, अब अगर ये पॉइंट लिया हमने, ठीक, थोड़ा नीचे लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी, तो प्लीज ध्यान से इस चीज को समझना अभी जो मैं समझा रहा हूं. ठीक है,
ठीक है, ये इस तरीके से मैंने क्यूबॉइड बना दिया। अब ध्यान से देखो जरा, ये क्यूबॉइड का मतलब क्या है कि ये जो ओरिजिन है 0,0,0, यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ कितना आए हम, दैट इज ए डिस्टेंस आए, वाई एक्सिस की तरफ कितना आए, बी डिस्टेंस आए। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,0, ये आ जाएगा 0,B,0, एंड ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा दैट इज 0,0,C। ठीक है, इस तरीके से पहले तो ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा, ठीक, ये पॉइंट क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे जेड जीरो होगा, तो ये आ जाएगा 0,0,B,0। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, वाई एंड जेड प्लेन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स जीरो होगा, तो आ जाएगा 0,B,C। क्या करना है तुम्हें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते रहना। ऐसे ही ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0,0,C। ठीक है, एंड सिमिलरली ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। तो आठों के आठों पॉइंट्स की हमने वैल्यू निकाली। अब ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर आएगा, ठीक, ये कंप्लीट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिन से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट लेट से ये ए तक जा रहा है, तो ये जो ओ ए वैक्टर होगा, राइट, ये ओरिजिन ओ, तो ये जो ओ ए वैक्टर होगा वो क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट ए आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ए लेंथ का, राइट, तो यूनिट वैक्टर को ए से मल्टीप्लाई किया, ए आई कैप आ गया। सिमिलरली ओ बी वैक्टर, ये पॉइंट बी ले लो, तो ओ बी वैक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ओ बी वैक्टर दैट इज नथिंग बट बी जी कैप। ठीक है, ऐसे ही ओ सी वैक्टर, ये सी पॉइंट ले लो, तो ओ सी वैक्टर जो आएगा दैट इज नथिंग बट सी के कैप। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया ए बी सी, इसको डी ले लो। अब ये जो डी पॉइंट आया, तो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओडी वेक्टर। अब ओडी वेक्टर क्या आएगा, क्योंकि ये इस प्लेन में आ रहा है, बेस वाले प्लेन में आ रहा है, तो इस प्लेन के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ओ ए एंड ओ बी का, राइट, वो मेरे को ओडी वेक्टर देगा इस तरीके से। तो ओडी वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, सो दैट इज नथिंग बट क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जी कैप। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया ए आई कैप प्लस बी जी कैप। सिमिलरली ये जो अब इस प्लेन के अंदर, ठीक है, ये वाले प्लेन के अंदर जो वेक्टर आ रहा है दैट इज ओ ई, ये पॉइंट को ई ले लिया, तो ओ ई वेक्टर, ये जो इस तरीके से जा रहा है ये ओ ई वेक्टर। अब ये जो ओ ई वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, इसी प्लेन में आने वाला ओ बी वेक्टर जो है एंड ओ सी वेक्टर, इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, इनका कॉम्बिनेशन। तो ओ बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी जे कैप, एंड ये आ जाएगा सी के कैप। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जाएगा, तो ये आ जाएगा ओ ई वेक्टर। एंड जो तीसरा प्लेन आ रहा है हमारा लास्ट वाला, ठीक है, अब इसके अंदर ये पॉइंट ले लो एफ। तो ये जो एफ पॉइंट आ रहा है इस तरीके से, ये इस प्लेन के अंदर आने वाला ओ एफ वेक्टर आ जाएगा। तो जो ओ एफ वेक्टर है, ये ओ एफ वेक्टर क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे वेक्टर आ गए। अब फाइनली हमें ये वाले पॉइंट का वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट का वेक्टर दैट इज, इसको ले लो जी। तो ये जो ओ जी वेक्टर आएगा 3D में एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो किस तरीके से निकालेंगे, अब ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरीके से अगेन हमने बनाया, ठीक है, अब देखो जरा यहां तक पहुंचना। ठीक, अब एक और चीज समझो कि ये जो नीचे वाला प्लेन आ रहा है, ये एक्स एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस वाला, अब अगर मैंने कोई भी परपेंडिकुलर लाइन लगाई, राइट, अब याद करो कल वाली थ्योरी हमारी सारी की सारी, तो ये प्लेन के अंदर आने वाला कोई भी वेक्टर जो होगा या कोई भी लाइन होगी वो इस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी, राइट। तो देखो मैंने ये डायगोनल बनाई, तो यानी कि यहां पर भी कितना एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां पर जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला वेक्टर क्या आ रहा था हमारा, देखो दिस इज योर ए आई कैप बी जे कैप, तो ये वाला वेक्टर क्या आया था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। एंड सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आ रहा है ये इस वेक्टर के बराबर है, तो दैट इज सी के कैप, दिस इज सी के कैप। अब मैंने इसके अंदर इन दोनों को लीनियरली ज्वाइन किया, तो ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला वेक्टर इसका एंड इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो बी जे कैप है ये तो ये वाला वेक्टर है बी जे कैप। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन के अंदर आएगा
राइट, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज ए आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस सी के कैप। दिस इज हाउ वी गेट एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन 3D, ठीक है। तो अगेन अब इन जनरल क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो ए कोमा बी कोमा सी है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या चला जाएगा, दैट इज नथिंग बट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सो दिस विल एक्ट एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी इन 3D, ठीक। एंड सिमिलरली ओपी वेक्टर हमारा, ये पी ले लो पॉइंट, तो ओपी वेक्टर हमारा क्या चला जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप। ठीक है, एंड ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आ जाएगा, पी का डिस्टेंस ओरिजिन से, वो इस केस में भी क्या आ जाएगा, दैट इज सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। और ये लेंथ क्या आएगी, ये लेंथ आएगी इसकी ये डायगोनल, ठीक है। अब ये कैसे आएगी, ये भी 3D में है, ध्यान से देख लो, ये भी चीज देख लो जरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगेन हमने 3D में एक चीज बनाई, ठीक है, ये आ गया O, ये आ गया P। अब ध्यान से देखो, ये A लेंथ है, ये B लेंथ है, ये C लेंथ है, राइट। तो ये जो डायगोनल है ये जाएगी हमारी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, ये हाइट है C, यहाँ पे 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम के कारण ये वाली जो पर्टिकुलर लेंथ है ये क्या जाएगी, बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस तरीके से ये जो ओपी की लेंथ है वो हमारी क्या चली जाएगी, ओपी का मैग्नीट्यूड, और वही चीज ऊपर आ रही है, राइट। तो क्या करना है, अगेन आई कैप का जो कोएफिशिएंट है, बी कैप का जो सॉरी जे कैप का कोएफिशिएंट, सी के कैप का कोएफिशिएंट, इन तीनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट करना है, तो वो हमें इस तरीके से पूरी की पूरी लेंथ। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास 3D में कोई भी दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ए ऐसा ले लो ए वन कोमा बी वन कोमा सी वन, राइट, एंड दूसरा पॉइंट है ये पी ले लो ये क्यू ले लो, ए टू कोमा बी टू कोमा सी टू, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर जाएगा ये वेक्टर क्या जाएगा, राइट, पी क्यू वेक्टर, ए आई कैप पी क्यू वेक्टर, नहीं नहीं भाई, पी क्यू, पी क्यू वेक्टर जाएगा हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर। तो हेड का वेक्टर क्या जाएगा, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ठीक, माइनस ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए टू आई कैप सॉरी ए टू माइनस ए वन आई कैप प्लस बी टू माइनस बी वन जे कैप प्लस सी टू माइनस सी वन के कैप, ये आ जाएगा पी क्यू वेक्टर। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा पी क्यू वेक्टर का, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, वो क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज ए टू माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस बी टू माइनस बी वन का स्क्वायर प्लस सी टू माइनस सी वन का स्क्वायर अंडर द, ठीक है। इस तरीके से ये सारा का सारा जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सर, राइट, ओके, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन इज कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी गिवन बाय थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप, दिस इज ए पॉइंट। बी पॉइंट है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड थर्ड पॉइंट है आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, फॉर्म वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस बनाता है, राइट। तो सबसे पहले हमने रैंडमली ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया एंड सी पॉइंट ले लिया, ठीक। तो अब ए पॉइंट क्या दे रखा है, थ्री आई कैप प्लस सॉरी माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप, सी पॉइंट दे रखा है आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, एंड बी पॉइंट दे रखा है टू आई कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो हमने सबसे पहले ये वाला वेक्टर बनाया, क्या आ जाएगा हेड माइनस टेल, तो दैट इज ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, क्या आ जाएगा 3i माइनस 2i दैट इज i कैप, माइनस 4j प्लस j दैट इज माइनस 3j कैप, माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5k कैप, राइट। फिर बनाया हमने ac वेक्टर, तो c माइनस a आ जाएगा, तो i कैप माइनस 3i कैप तो माइनस 2i कैप, माइनस 3 प्लस 4 तो दैट इज प्लस j कैप, माइनस 5 प्लस दैट इज माइनस k कैप। सिमिलरली हमने बनाया ये वाला, ठीक, तो आ जाएगा b माइनस c, तो 2i कैप माइनस i कैप दैट इज i कैप, ठीक, माइनस j कैप प्लस 3j कैप दैट इज प्लस 2j कैप, k माइनस 5 माइनस 5 तो ये आ जाएगा प्लस 6k कैप, ठीक। अब तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दो, तीनों साइड्स की लेंथ जो है ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करे, तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगी तो अपने आप हमारा काम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या चीज आ जाएगी 35 रूट। अच्छा ये क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज रूट 6, और इधर क्या आ रहा है 36 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट, तो क्या आ रहा है दैट इज 41। अब ध्यान से देखो जरा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, क्या चीज जा रही है ए बी का स्क्वायर क्या जा रहा है दैट इज रूट 35 का स्क्वायर 35 प्लस ए सी का स्क्वायर दैट इज रूट 6 का स्क्वायर 6, तो दैट इज 41, तो विच इज नथिंग बट बी सी का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे जाएगा हमारा, देखो ये ए बी एंड सी, ठीक, इस तरीके से हमारा जाएगा, ये एक रूट 41 है, सॉरी हाइपोटेन्यूज रूट 41 है, एक रूट 35 है, एक रूट 6 है, राइट। तो यानी कि राइट एंगल राइट है, सो इट इज राइट एंगल्ड एट ए। तो आगे जाके और भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे जिनके थ्रू हम सिंगल लाइन के अंदर इसको प्रूव कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट वगैरह से कि ये जो पर्टिकुलर चीज जा रही है ये ए पे 90 डिग्री जा रही है, राइट। बट वो अलग मेथड्स हैं, वो बात की बाद में देखी जाएगी, ठीक है, अभी फिलहाल ये मेथड से। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, तो यहाँ पे याद रखना स्टार्टिंग में हमें ये जो चीजें पॉइंट्स दे रखे थे, ठीक, ये पॉइंट्स दे रखे थे, इन पॉइंट्स को यूज करके, और पॉइंट्स का मतलब क्या है कहीं ना कहीं ओरिजिन है, तो ये वाले ऐसे करके ये वेक्टर दे रखे, राइट, अपना पोजिशन वेक्टर का मतलब भी आ गया। अब इन दोनों को माइनस करके फिर हमने साइड्स के वेक्टर निकाले, ये साइड्स का वेक्टर निकाला, फिर ये साइड का वेक्टर निकाला, फिर ये साइड का वेक्टर निकाला, जैसे ही साइड्स के वेक्टर आ गए हमारा काम खत्म हो गया, बात खत्म, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो काम कर लेंगे। चलो इजी है, ये काफी इजी चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इज माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट, क्लियरली हम क्या चीज करेंगे, पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दैट वुड बी माइनस 2 माइनस 1 माइनस वन प्लस वन, तो ये जीरो जे कैप, ये वन आ गया, एंड टू के कैप माइनस के कैप, तो दैट इज के कैप, वन डॉट के कैप। तो अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जा रहा है, वन स्केयर प्लस जीरो स्केयर प्लस वन स्केयर अंडर द रूट, तो दैट इज रूट टू। तो इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो आएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, क्या चीज आएगी, यूनिट वेक्टर along a vector plus b vector, that is nothing but 1 by root 2 times i cap plus k cap, that's it, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है, ठीक है, क्या चीज, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर या फिर अलोंग a वेक्टर प्लस b वेक्टर।
इन दोनों में फर्क है। पैरेलल का मतलब लाइक अनलाइक दोनों चलेंगे, तो अगर पैरेलल वेक्टर वाला पूछा जा रहा है तो तुम प्लस माइनस लोगे वन बाय रूट टू आई कैप प्लस के कैप। लेकिन अगर वो उसी डायरेक्शन में पूछ रहा है, अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, लाइक वेक्टर होना चाहिए, अब अनलाइक वेक्टर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि पैरेलल का मतलब प्लस माइनस दोनों चलेंगे, लेकिन डायरेक्शन के अलोंग उसी के अलोंग चाहिए या उसी की डायरेक्शन में चाहिए, तो इन दैट केस हमें वही लेना पड़ेगा, साइन सेम लेना पड़ेगा, हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, अभी तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। राइट, चलो चलो अब आगे देखते हैं, ठीक। तो अभी आज हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या किया है, दैट इज पहले तो एक वेक्टर का रिजोल्व करना, उसको कोई भी दो वेक्टर उसी प्लेन के अंदर आने वाले उनके फॉर्म में, तो कोई भी हमने क्या देखा कि कोई भी वेक्टर जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन के अंदर आ रहा है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को समझाने के लिए मैंने 2D एंड 3D को सारा समझाया, ठीक है। क्या चीज होती है बेसिकली, एक्स एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर होता है, वाई का यूनिट वेक्टर जे का सॉरी के का, जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई जे के, इस तरीके से चले जाते हैं, एंड हर एक चीज को हम उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर जो आ रहा है 2D में 3D में राइट, उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अंदर रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू प्रीवियस टॉपिक हमारा, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगेन इस चीज को थोड़ा एक बार रिपीट कर, मेरा कनेक्शन उड़ गया था। क्या चीज अब ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज को चेक करना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अब मैंने ये नहीं बताया कि मैं कितने वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करूंगा, पहली बात तो ये, एक का करूंगा, दो का करूंगा, तीन का करूंगा, चार का करूंगा, वो सारे के सारे केसेस को मैं काउंट करूं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, एनी वेक्टर वी वेक्टर विच इज कोलीनियर, कोलीनियर के अंदर अब पैरेलल भी आ जाएगा क्योंकि फ्री वेक्टर है तो कोलीनियर एंड साथ में पैरेलल भी चलेगा, ठीक है। कोलीनियर विथ ए वेक्टर कैन ऑलवेज be written uniquely as b vector is lambda times a vector, that is scalar multiple of a vector, ठीक है। basically क्या चीज है कि अगर ये a vector है and ये b vector है, या जहां पर a and b दोनों के दोनों parallel है, ठीक है। तो एक आ गया a vector and एक आ गया b vector, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ठीक, अगर वो पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को मैं दूसरे के लीनियर मल्टीपल की फॉर्म में हमेशा लिख सकता हूं, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंथ तो चेंज हो रही है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, राइट, तो वो आ जाएगा ए कैप। तो ए कैप क्या आ जाएगा, A cap would be A vector divided by A vector का magnitude. अब जो B vector होगा वो क्या आ जाएगा, B vector के magnitude से multiply कर देंगे unit vector को, तो B vector का magnitude into A vector divided by A vector का magnitude, right? तो क्या चीज बन जाएगी, अब ध्यान से देखो, ये बन जाएगा B vector divided by A vector का magnitude, magnitude into A vector, so this is lambda, this is some constant, तो ये बन जाएगा हमारा lambda times A vector, ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्या चीज कि b वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन में आने वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वापस से रीजनरेट कर सकता हूं उसी डायरेक्शन का। अब देखो b का जो यूनिट वेक्टर होगा और जो a का यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होंगे, राइट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अगर वो दोनों चीजें सेम है तो मैंने क्या किया, a वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, राइट, a वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, उसको मैंने b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को बी वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो वो मेरे को क्या मिला, बी वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मोड इनटू ए वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा सारा का सारा बन गया लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अच्छा, अब इसी के कॉन्ट्रारी पॉइंट क्या आ रहा है कि इफ
बी वेक्टर इज नॉन कोलिनियर विद ए वेक्टर देन इट कैन नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एज स्केलर प्रोडक्ट produces parallel vector मतलब collinear vectors or collinear vectors only. ठीक है, अब जी क्या चीज है कि अगर मेरा a vector इस तरफ है and b vector इस तरफ है, right? तो मैं भैया जो मर्जी कर लो, इस केस में a vector का scalar multiple से b vector को produce, या फिर उल्टा बी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल से ए वेक्टर को प्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकता, राइट? तो इन दिस केस ए वेक्टर का जो लैम्डा टाइम्स होगा वो बी वेक्टर, ये कभी भी नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता. हाँ जी, अभी तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस सर, क्लियर है. ठीक है, ये कभी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता. अच्छा, अब मान लो इन केस अगर हमें सेकेंड पॉइंट, एक अगर हमें ए एंड बी वेक्टर जो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर आ रहे हैं, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज, कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर इस तरफ आ रहा है, बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एंड इफ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये गिवन है. ठीक है, तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ये हमें कंडीशन गिवन है. तो ये कंडीशन भैया तभी सेटिस्फाई होगी या तभी ट्रू होगी, देन तुम्हारा क्या होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ये तभी ट्रू होगी अगर लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों जीरो है, अदरवाइज ये चीज कभी ट्रू नहीं हो सकती. खुद सोचो कि लैम्डा म्यू नॉन जीरो, लैम्डा म्यू जीरो, ठीक. अच्छा, दोनों में से एक जीरो, वो भी केस लेके बता देता हूं, लैम्डा इज जीरो, म्यू इज नॉन जीरो, ठीक है. दूसरा जो केस आएगा कि लैम्डा नॉन जीरो म्यू जीरो, वो भी तुम खुद देख सकते हो. अब देखो, अगर तो दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, इसको इधर लेके गए एंड लैम्डा से डिवाइड कर दे, यानी कि हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं. यार ये तो तभी लिख सकते हैं अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल हुए, लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल दे ही नहीं रखे, यानी कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर. ये तो पॉसिबल ही नहीं, जो मर्जी कर लो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, ठीक है. अच्छा, अब अगर दोनों के दोनों जीरो हो गए, अच्छा हाँ ये बोल सकता हूं मैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है. अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर है तो तभी जाके ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक है. देन दूसरा, अगर लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों जीरो हो गए, राइट? तो बिल्कुल सही है. तो इसका केस का मतलब क्या है कि अगर लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों जीरो हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होंगे वो नॉन कोलिनियर है, वो नॉन कोलिनियर, ठीक है. अच्छा, अब अगर एक जीरो दूसरा नॉन जीरो हो गया, तो इसका मतलब लेट से लैम्डा जीरो है, तो लैम्डा जीरो मतलब जीरो टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. अब ये हमने उस दिन किया था एक एग्जांपल के तौर में कि ये दोनों चीजें जीरो कब होंगी, या तो आइदर म्यू जीरो होगा और बी वेक्टर जीरो होगा, राइट? अब यार बी वेक्टर तो नॉन जीरो वेक्टर है, गिवन है, राइट? तो ये चीज नॉट पॉसिबल, एज जो वेक्टर हमें गिवन है वो नॉन जीरो वेक्टर गिवन है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. Not
पॉसिबल, तो ऑब्वियसली म्यू जीरो हो गया, तो यानी कि दोनों के दोनों या तो साथ में जीरो होंगे या तो दोनों के दोनों नॉन जीरो होंगे, तो अपने आप ही या तो नॉन क्लीनर का केस बन जाएगा हमारा या तो क्लीनर का केस बन जाएगा इस तरीके से। तो याद रखना ये चीज, ठीक स्टार्टिंग से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अगर बी वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल है बेसिकली ए वेक्टर के साथ, राइट, अच्छा डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है बी वेक्टर की, अगर पीछे हुआ तो जो स्केलर होगा वो अपने अपने नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर दोनों के दोनों पैरेलल है तो एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दूसरे को जनरेट करेगा। एंड अगर दोनों के दोनों नॉन क्लीनियर है तो एक का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है या स्केलर मल्टीपल जो है वो दूसरे को कभी जनरेट नहीं कर सकता। एंड अगर दो का लीनियर कॉम्बिनेशन ए एंड बी, तो हमें दो क्लीनियर वेक्टर्स दे रखे हैं, नॉन क्लीनियर वेक्टर्स सॉरी दे रखे हैं अगर, तो और साथ में हमें दे रखा है कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज जीरो, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तभी जाके इक्वल होगी अगर लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों जीरो हैं। और डिफरेंट केसेस क्या क्या बन सकते हैं वो मैंने तुम्हें अभी करके दिखा दिया। हाँ जी, अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अनन्या, आदित्य, यस सर, दिया, काव्या, क्लियर है पॉइंट? यस सर। स्तुति, दक्ष, अर्णव, सर एक बार फिर क्लियर है ये लास्ट वाला पॉइंट, सर लास्ट वाला पॉइंट दक्ष, इसके अंदर क्या चीज थी कि अगर ये चीज हमें कंडीशन दे रखी है, अब भूल जा कि ए एंड बी जो हमें दे रखे हैं वो नॉन क्लीनर वगैरह दे रखे हैं, तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों के दोनों ए एंड बी वेक्टर को लीनियर होंगे, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर को मैं माइनस लैम्डा बाय म्यू टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ, बात समझा? यस सर, माइनस म्यू बाय लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ। अब साथ में आ रहा है कि लैम्डा म्यू अगर दोनों के दोनों जीरो हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी दोनों के दोनों नॉन क्लीनियर वेक्टर्स होंगे, एंड एक जीरो का मतलब है कि दूसरा भी जीरो होगा ही होगा, ये चीज थी, क्लियर हुआ? ओके सर। अब देखो, जैसे हमने इसके अंदर ये चीज प्रोड्यूस की है, राइट, अब ऐसे ही दो वेक्टर्स के केस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज थर्ड पॉइंट, राइट, हाँ जी थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि ये तो हमें पता चल गया कि सिंगल वेक्टर के केस में क्या जाएगा, दो वेक्टर्स के केस में क्या जाएगा, दैट इज एनी वेक्टर सी वेक्टर को प्लेनर with a vector b vector can uniquely be written as linear combination of a vector and b vector, that is C वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा याद रखना ए एंड बी तो हमारे नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आ गए, राइट, तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के एक का स्केलर मल्टीपल से दूसरे को नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उससे हम अनदर वेक्टर सी वेक्टर को उसी के प्लेन के अंदर आने वाले सी वेक्टर को हम जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर की फॉर्म में हम सी वेक्टर को हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, अब जो पहले काम किया था वही काम इधर करेंगे, ठीक है, जो पहले काम किया था वही काम इधर करेंगे, ठीक है। क्या चीज, ध्यान से देखो जरा कि अब मान लो हमारे पास एक प्लेन में आने वाले तीन वेक्टर्स दे रखे, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। अब अगर एफ लैम्डा वन टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा थ्री टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, अब ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है, अब हमें ये चीज दे रखी है लैम्डा वन टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू टाइम्स बी वेक्टर एंड लैम्डा थ्री टाइम्स सी वेक्टर, ठीक है। अब अगर हमें ये चीज दे रखी है तो इस चीज का मतलब क्या हो सकता है, एंड 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 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, चलो केसेस लेके जाते हैं, ठीक। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमारे कोप्लेनर है, राइट, तो अगर तो कोप्लेनर है तो खुद सोचो यहां पे मैं सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, माइनस लैम्डा वन ए वेक्टर माइनस लैम्डा टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू लैम्डा थ्री डिवाइडेड बाय लैम्डा थ्री, और
स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आ जाएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को प्लेनर है। लेकिन ये सोचो कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को प्लेनर नहीं है, को प्लेनर नहीं है मतलब ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर का प्लेन आ रहा है और सी वेक्टर इस प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो अब ये को प्लेनर नहीं है। तो यानी कि इन दैट केस सी वेक्टर जो होगा राइट जो कि नॉन को प्लेनर वेक्टर है उसको मैं ए एंड बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना कि अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो भैया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इसी के प्लेन में आने वाला कोई ना कोई वेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है। याद रखना क्या चीज, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इसी के प्लेन के अंदर आने वाले किसी ना किसी वेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। तो आउट ऑफ प्लेन आने वाला जो वेक्टर होगा वो उसको कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, वही चीज अभी हम बता रहे हैं। ठीक, कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी अगर तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इन दैट केस हमें लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सी को ए एंड बी की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। तो अगर ये चीज पॉसिबल है तो ए की केस पॉसिबल है, क्या होगा, लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा थ्री इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये चीज कभी भी पॉसिबल है। तो जो सेम पिछला वाला किया वही हम इधर कर रहे हैं। तो या तो तीनों के तीनों जीरो होंगे राइट, या तो तीनों के तीनों नॉन जीरो होंगे। बात खत्म। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। राइट, तो फिर हम ये n वेक्टर्स के लिए भी बोल सकते हैं आपका? बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 3D तक ही है तो n तक के लिए तो एक्सटेंड कर सकता है, बट हम 3D तक ही बात करेंगे, हम 3D के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, राइट राइट। तो अब देखो जरा, अब सिमिलरली ठीक है हम क्या बोल सकते हैं कि जो पहले हमने बोला था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, चलो एनी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नेवर बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोप्लेनर है तो लिखा जा सकता है, अगर नॉन कोप्लेनर है तो नहीं लिखा जा सकता। राइट, तो और इन जनरल हमने फिर ये इक्वेशन को क्या मतलब जाएगा उस चीज का हमने देखा कि अगर एबीसी कोप्लेनर है तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, हमें लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री हमेशा मिलेंगे मिलेंगे, और अगर नहीं लिखा जा सकता तो अब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है राइट तो दैट मीन नहीं लिखा जा सकता, तो दैट इज लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री तीनों के तीनों जीरो होंगे, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सेम चीज 3D में जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा, ठीक है कि अब देखो जरा ध्यान से, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, अब हमारे पास क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है। ठीक, किस तरीके से, इस तरीके से, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इस तरीके से कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सी वेक्टर ये इस तरीके से ये अपना प्लेन बना रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये अपना प्लेन एक डिफाइन कर रहे हैं राइट ऐसे, एंड यहां पे ए एंड सी अपना एक प्लेन डिफाइन कर रहा है एंड यहां पर B एंड C अपना एक प्लेन डिफाइन कर रहा है राइट, तो तीनों का इस तरीके से चला है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, याद रखना देखो A एंड B का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इस प्लेन में आने वाला वेक्टर देगा राइट, तो मेरे को ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना, ये वेक्टर जो है ये वेक्टर क्या मिल जाएगा, दैट इज लैम्डा टाइम्स A वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, इसी के साथ मैंने एक प्लेन बनाया। ठीक है, सी वेक्टर के साथ अब इस वेक्टर को मिलके मैंने इस तरीके से इसका प्लेन बनाया, तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन आएगा इस प्लेन में आने वाला ये वाला जो वेक्टर होगा ये डायगोनल वेक्टर राइट, ये डायगोनल वेक्टर अब क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर राइट, तो दिस विल बी माय लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस लेट से डेल्टा टाइम्स सी वेक्टर। इसलिए अगर ए बी सी मेरे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर आ रहे हैं तो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन देगा वो मेरे को
आउट ऑफ प्लेन आने वाला कोई भी वेक्टर 3D में अब आने वाला राइट मेरे को वो वेक्टर देगा। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, वही कंसेप्ट आ रहा है हमारा कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर डी वेक्टर इन स्पेस, देन एनी वेक्टर डी वेक्टर इन स्पेस, स्पेस मतलब 3D, कैन बी यूनिकली रिटन एज डी वेक्टर इज नथिंग लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस डेल्टा टाइम्स ए वेक्टर। तो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगेन अब ध्यान से देखना, दोबारा सारी की सारी चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो अगर सिंपल ए वेक्टर दे रखा है तो इसी की डायरेक्शन में आने वाला जो वेक्टर होगा उस वेक्टर को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा लिख सकता हूँ। राइट, अब अगर मेरे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है तो इसके प्लेन में आने वाला कोई भी जो वेक्टर होगा उसको मैं इस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमेशा लिख सकता हूँ। एंड अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो स्पेस में आने वाला कोई भी रैंडम वेक्टर जो होगा वो उनके इनके तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो 1D 2D 3D राइट, इस केस में हमारा इसका पैरेलल वेक्टर मिलेगा, इस केस में इस प्लेन के अंदर आने वाला वेक्टर मिलेगा, इस केस में स्पेस पे आने वाला वेक्टर मिलेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अनन्या क्लियर हो? क्या चीज बोल रहा है भाई दक्ष, दोबारा बोल। 1D के अंदर सारे वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के। 1D के अंदर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक अनलाइक होंगे बट पैरेलल रहेंगे, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना है ये चीज, ठीक, कि अ वेक्टर इन स्पेस, ठीक, कैन बी रिप्रेजेंटेड, याद रखना, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये थोड़ी मुश्किल होगी सोचने में, क्यों? क्योंकि भाई अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो मैं तो उसी के प्लेन के अंदर आने वाला वेक्टर को लिख सकता हूँ, आउट ऑफ प्लेन आने वाला वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब मैं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ प्लेन वाले वाला वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता, ठीक, वो कैसे? देखो बेसिकली ये दोनों का जो वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा वो मेरे को इसी के प्लेन के अंदर आने वाला वेक्टर देगा। अब इसके अगर हाइट को ऊपर उठाना है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द प्लेन एक वेक्टर के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके इसकी हाइट ऊपर होगी और मेरे को स्पेस में आने वाला वेक्टर मिलेगा, राइट। तो ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को क्या हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो क्या होता है? इन जनरल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे को क्या देता है? दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट दी वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, अब मैंने सिर्फ दो वेक्टर्स लिए, ये ए वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर, बी वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर जाएगा वो जाएगा ऊपर की तरफ, राइट। ये इधर भी परपेंडिकुलर, ये इधर भी परपेंडिकुलर, यानी कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये जो वेक्टर आएगा ये क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब जो तीसरा वेक्टर वो भी ए एंड बी की फॉर्म में आया। अब स्पेस में आने वाला कोई भी जो वेक्टर होगा, राइट, अब स्पेस में आने वाला कोई भी जो वेक्टर होगा, राइट, दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस डेल्टा टाइम्स तीसरा वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो अब ये जो वेक्टर आया, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन स्पेस, बट यस इट इज इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ओनली, सिर्फ दो वेक्टर्स की टर्म में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है, राइट, ठीक। ये लास्ट में क्या लिखे? ए क्रॉस बी के साथ में, ए क्रॉस बी, डेल्टा टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है, डेल्टा टाइम्स ए क्रॉस बी। डेल्टा क्या फिगर के अंदर है? कुछ डेल्टा भाई, लैम्डा, म्यू, डेल्टा, तीनों के तीनों भाई कांस्टेंट्स हैं और कुछ नहीं। अच्छा, कांस्टेंट, हां, तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे हमारे, ठीक है, कि हमने 2D को डिफाइन कर लिया आई कैप जे कैप की फॉर्म में, 3D को डिफाइन कर लिया आई कैप जे कैप की फॉर्म में,
ठीक, तो अब हमारा पॉइंट क्या आता है कि डायरेक्शन को 3D में कैसे डिपेंड करते हैं, वो वेक्टर से डिपेंड करते हैं, बट वेक्टर को भी आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर जाके हमारी एक डायरेक्शन जो है वो डिफाइन होती है, ठीक है, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, अब पहले जो अभी तक हमने जो चीज किया ना उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखो, पहले उसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, शो दैट वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर, कोलिनियर और पैरेलल की बात है। अब हमें मालूम है दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, जब एक वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर पकड़ा, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, तो बी वेक्टर पकड़ा वो आ गया माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैप, इसमें से माइनस टू कॉमन लिया तो क्या आ गया टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस प्लस फोर के कैप, सो दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर, सो ये बन गया माइनस टू टाइम्स ए वेक्टर, राइट। तो बी वेक्टर इक्वल टू माइनस टू टाइम ए वेक्टर आ गया। यार अगर मैं ए वेक्टर का स्केलर मल्टीपल प्रोड्यूस कर रहा हूं तो बी वेक्टर जो होगा वो ऑब्वियसली ए के पैरेलल जाएगा, देयरफॉर बी वेक्टर इज कोलिनियर और पैरेलल विद ए वेक्टर, ये होगा ही होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट। अच्छा अब देखो जरा सेकेंड, ठीक, लेट ए वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर B 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, मतलब कोई भी दो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, राइट, तीनों के तीनों अलग अलग वेक्टर हैं लेकिन है एक ही प्लेन में, ठीक है। अच्छा तो अब क्या चीज बोल रहा है वो कि इफ ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर then prove that a vector plus 2b vector plus 6c vector is zero vector, ये प्रूव करना, ठीक है, एक बार ट्राई करो, जरा ट्राई करो, शाबाश। देखो सबसे पहले हमें ये चीज इसके साथ कोलिनियर दे रखी है, तो यानी कि a vector plus 2b vector जो है ये lambda times c vector होगा, and ये a के साथ कोलिनियर दे रखा है यानी कि b vector plus 3c vector जो है ये mu times a vector होगा, राइट। अब ए बी सी तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर दे रखे हैं हमें, राइट। अब हमने क्या किया, इधर से ए वेक्टर निकाला, वो आ गया लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, इधर से ए वेक्टर निकाला, म्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक, ए वेक्टर, तो दैट इज बी वेक्टर डिवाइडेड वन बाय म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर, अभी दोनों बराबर होने चाहिए, तो लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू वन बाय म्यू टाइम्स b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा लैम्डा माइनस 3 बाय म्यू टाइम्स c वेक्टर प्लस माइनस 2 माइनस 1 बाय म्यू टाइम्स b वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब क्योंकि b एंड c वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये दोनों के दोनों 0 होंगे, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल है, याद करो अभी थ्योरी की हमने, तो यानी कि माइनस 2 माइनस 1 बाय म्यू 0 होना चाहिए, तो माइनस टू इक्वल टू वन बाय म्यू, ठीक, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाय, अब यहां से लैम्डा शुड बी इक्वल टू थ्री बाय म्यू, तो दैट इज थ्री बाय माइनस वन बाय टू, तो दैट इज माइनस सिक्स, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस सिक्स आ गई। अब ध्यान से देखो पहले वाली स्टेटमेंट पकड़ो, ए प्लस टू बी इक्वल टू लैम्डा सी,
a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c वेक्टर, तो लैम्डा की वैल्यू -6 रखी तो ये आ गया -6 c वेक्टर, इसको इधर ले आओ तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6 c वेक्टर दैट इज 0 वेक्टर, और यहां से भी प्रूव हो गया। और जो दूसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास दैट इज b वेक्टर प्लस 3 c वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर प्लस 3 c वेक्टर इज म्यू टाइम्स a सॉरी लैम्डा लैम्डा म्यू म्यू टाइम्स a, और म्यू की वैल्यू आ रही -8 तो याद आएगा -1/2 टाइम्स a वेक्टर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज माइनस a वेक्टर, और a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज 0, तो ये चीज आ रही। तो इस तरीके से हमने दोनों को दोनों को कर लिया, दोनों से सेम चीज आ रही। हाँ जी क्लियर हुआ चिराग, क्लियर हुआ, गलती पता चली चिराग? यस सर। चलो ठीक 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 है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा वो डायरेक्शंस की चीज रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको कल ही कंटिन्यू, ठीक है, चलो वी आर डन, थैंक यू।